नेगेटिविटी फैला रहे तुम यहाँ पे।
विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। बढ़ रहा नहीं, विश्व गुरु हो गया मानव तस्करी में। क्या मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो? मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ यूएनओडीसी सब बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में इंडिया नंबर वन पर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। 1,83,00,000 विक्टिम्स है इंडिया में। 1,83,00,000 और उन 1,83,00,000 में से सिर्फ 8,132 केस रजिस्टर हुए, चाहे तो आप खुद सर्च करिए। अरे छोड़ो इसे, ऐसे झूठ झूठ बोल रहे हैं। ऐसा होता तो टीवी में ना दिखाते, मीडिया वाले चुप बैठते क्या? नहीं सही बोल रहे हैं, सही बोल रहा है। क्योंकि जब ये सब हो रहा था तो मीडिया, टीवी तो मुल्लों, पंडितों, पद्मावत, बाबा राम रहीम का सर्कस दिखाने में बिजी थी। आइए देखते हैं। द नेशन वॉन्ट्स टू नो, ये देश जानना चाहता है। आप बताइए कौन बताएगा? अकड़ पकड़ बंबे हो? हाँ आप बताइए। हाँ आप बताएं, बोलिए। मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ बोलिए। हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। पूरे देश ने देखा इनसे बॉटल गिर गई। आपको बॉटल नहीं संभाली जा रही है, इनके मुंह पे कैमरा गिर गई। आपके बॉटल नहीं संभाली जा रही, देश कैसे संभाली? आप टेरर हैं, आप उसामा के रिश्तेदार हैं, आप खड़े हो अगर आप दलाल हैं। हाँ बात कर रहे हैं। हाँ 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 ये देखिए भगोड़ा ये भाग रहे हैं, उनपे कैमरा देंगे, उनके सवाल का जवाब दे दूंगा, उनसे पकड़ेंगे। सवाल क्या है? देख नहीं रहा, दाना डाल ले। अब कबूतर यहाँ आ गए, अब हम इनपे डालेंगे जाल और इनको फंसा के भेज देंगे विदेश, वहां जो पैसा मिले। अरे इसे तुम पता नहीं कहते? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम कबूतरों के ऊपर शोषण कर रहे हो। शोषण तो पूरी दुनिया कर रही है, हम कबूतरों पर, कोई इंसानों पर हम नहीं मानते। अरे ये मेरे मन की बात थोड़ी है, पूरे भारत में हो रहा है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हैदराबाद में और पंजाब में। 909 कबूतरबाजी केसेस हो रहे हैं और 500 एजेंसियां जो ऐसी हैं जो कबूतरों की तरह दाना डालती हैं लोगों को, पर कोई पूछ नहीं रहा हूं। अरे हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। अभी भी नहीं माने तो चलो और दिखाते हैं कि कैसे वो डालते हैं लोगों को दाने। आओ साहब कुछ बात कर लीजिए। हाँ बोलो साहब। तनख्वाह बढ़ा दोगे? साहब दो दो बच्चे पालने, खाने के लाले चल रहे हैं, तनख्वाह तो नहीं बढ़ सकती। बताइए तरकीब है, तुम्हें विदेश जाना होगा। विदेश में तुम्हें बहुत फायदा है, वहाँ लेबर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अरे दुगने पैसे मिलेंगे, मजा आ जाएगा। तो साहब क्या कुछ पैसे भी लगेंगे? हाँ पैसे तो लगेंगे, वो वीजा और पासपोर्ट के। पर उसकी चिंता मत करो, वो मैं दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। पर हाँ पैसों का इंतजाम कर लेना, उस दिन गांव में कुछ अच्छा जैसे दूंगा। विदेश जाओगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे साहब। मुझे भी जाना है। क्या किया है? डिग्री क्या है? एक्सपीरियंस कितना है? साहब मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम बहुत अच्छे से आता है। साहब मैंने बीटेक किया। मैं नर्स हूँ साहब। क्या करें, जाना तो सभी चाहते हैं साहब, कुछ करिए ना। अच्छा ठीक है, नाम बताओ। अर्जुन। इरफान। अनीता। साहब कितने पैसे लगेंगे? अरे पैसों की चिंता मत करो, एक बार पैसे देने होंगे कि पूरी लाइफ बन जाएगी। एस करोगे? एस साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ पैसे का इंतजाम समय से करना।
थोड़ा सा पानी तो दे दो साहब। पानी चाहिए इसको, पानी चाहिए इसको। साहब सुबह से काम कर रहे हैं साहब, थोड़ा सा पानी दे दो साहब। पानी साहब पानी चाहिए साहब, हम रोज सुबह से काम कर रहे हैं साहब। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। काम चोर है, पानी चाहिए, काम नहीं करता नहीं है। और किसको चाहिए पानी, किसको पानी चाहिए, किसको चाहिए पानी, काम करो बस साहब। घर वीजा दे दो, पासपोर्ट दे दो, नाम मिलेगा वीजा और नाम मिलेगा पासपोर्ट। काम करो, काम चलो, वरना टांगे तोड़ दूंगा एक एक की। चलो यहां से। ये सब आपको किसी हिंदी फिल्म के घिसे पिटे स्टीरियोटाइप सीन की तरह लग रहा होगा, पर ये सच है, ये बिल्कुल सच है। ये असलियत में हो रहा है। हर साल भारत में 3000 से ज्यादा कबूतरबाजी के केस दर्ज होते हैं, पर उन केसेस का क्या जो रिकॉर्ड में ही नहीं है। ये वही समय है जब फिल्म स्टार और उद्योगपतियों की प्री वेडिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग का सुरूर हम सब पर छाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ा बाजार लगा था जिसमें लड़कियां बिक रही थी एक वस्तु एक सामान की तरह। पूरे भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा लड़कियां सेक्स वर्कर के रूप में काम कर रही हैं, जिन्हें हम समाज पर काला दाग कहते हैं। Yeah.
जिनमें से आधे से ज्यादा बच्चों का तो पता भी नहीं चलता कि आखिर गए कहाँ। सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक नाफिक अनाथ आश्रम से 3000 से ज्यादा बच्चे उठा लिए गए। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 33 मिलियन से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी में डाले गए। मुबारक हो वो बच्चा समझ गया रोनी की कीमत, वो सीख गया है कमाना। मुबारक हो उसे, तुम्हारी किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे झूठे लगते हैं तमाम तुम्हारे किस्से बसाने। भूख पॉलिश खाकर कोल्ड सिरप पीकर थूकते हैं तुम्हारी नई किताब पर, तुम्हारे आदर्शों पर, तुम्हारे मूल्यों पर। मुबारक हो वो तुम्हें पहचान गया है, वो समझ गया है तुम्हारी अर्थहीन दुनिया को। वो नहीं ढूंढता अपने जीने का अर्थ, वो नहीं ढूंढता अपना सुकून जिसे खा गए हो तुम। मुबारक हो वो गाड़ी कमाई से पहला दिन पहला शो देखता है, कुछ देर के लिए से ही वो बन जाता है हीरो। तस्करी, बच्चों की,
तस्करी मानवों के अंगों की। कितना गिर गए हैं कि राम के आदर्श, गांधी की अहिंसा और गौतम की शांति वाले इस देश में। कोई कुछ नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? बहुत सारे लोग करते हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पोर्टल 1098 चिल्ड्रंस हेल्पलाइन नंबर है, 1091 और 181 वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आज 30 जुलाई के दिन पूरी दुनिया में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे यानी मानव तस्करी विरोध दिवस मनाया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। मैं शपथ लेता हूं, कि किसी भी प्रकार की मानव तस्करी का विरोध करूंगा। अगर मेरे सामने ऐसी कोई भी घटना घटित होती है मैं उसका डटकर I'm gonna go.
वो बेबस सा लाचार घूमता, थक कर अक्सर हाथों में रखी फोटो को चूमता, बड़बड़ाता कि वो कितना बदनसीब है, दिखता हमसा ही है पर वो बच्चा फिर भी अजीब है। भीड़ में हर किसी को ऐसे घूरता मानो सदियों से इंसानों से दूर था। वो अक्सर खुद को यहीं समेट के लेट जाता था, सुबह की मिली दो रोटियों को भी वो पेट भर कर खाता था। रहता यहीं यहाँ किसी कोने में है, समझता है दुनिया का हर सुख बस सोने में है। घर लौटने की हमेशा फरियाद करता है, अपने अम्मी अम्बू को हमेशा याद करता है। भटकता भटकता हर किसी को अपना कह देता है और भीड़ की गालियाँ आँख मीच के सह लेता है। शायद उसे इस बात का अंदाज़ा है कि हमारे पास इन सब के लिए वक्त आधे से भी ज़्यादा है, पर फिर भी मन में हौसला लिए वो हर दिन अपनों की तलाश में निकल जाता है। ये उसकी कहानी है जनाब, जो चाहकर भी घर नहीं लौट पाता। तो अगर आगे से किसी ऐसे बच्चे को देखना तो कुछ देर बैठ के उससे उसके बारे में पूछना तो तुम्हें पता लगे कि वो किस हालात से गुजरे हैं, पूछना कि वो बचपन की नादानी छोड़ कैसे इतने सुधरे हैं, पूछना कि किस जगह से वो आए हैं, पूछना कि कितने गए वो सताए हैं, पूछना कि क्यों वो इधर उधर भटकते हैं, पूछना कि क्यों वो इस कदर रहते हैं। शायद तुमसे खुद को इजहार करके उनके चेहरे पर मुस्कान छा जाए और शायद तुम्हारे इन्हीं सवाल जवाबों से कोई मासूम अपने घर वापस आ जाए। आई स्पीक टुडे आउट ऑफ प्रिविलेज, अ ब्लेसिंग एंड एन एंग्विश हियर इन माय मिडिल ग्रैबिंग मी लाइक अ हुक, अ ब्लैक स्टारी टॉप प्रिंट्स एवरीवेयर, द क्लॉक स्ट्रक 7 एडिंग टू माय डिस्पेयर, आई थिंक दैट मैन इज स्टेयरिंग, हश सेज माय मॉम, glaring dark tunnels and rocky tracks, crevices in my window seat and Indo railway gunny sack, bold that I was, I matched his sight, gaze for a gaze outstared him in delight, but why wasn't he dropping that daunting grin of might, mind you I was 12 to put up such a fight. The engine forced a halt, my savior went to the loo, his leer was expanding as he saw me turning blue, jumped down the third story, took a right turn, the monster is approaching, should I pack and run? But I was no coward. Glued to the seat, I sat there in fright, eyes fixated on my graphic novel, I resisted every chill. Pen in the other hand, sure was equipped to kill. But he simply passed by. He was advancing towards my ma, I will smash his head. Strive to find something hard, turning every shade of red. He carried a gun. Have seasoned 2 leaves since he strangled my nest. Then raped me after an hour, it was the first time I had bled. Staked me for 1,020. Your new name is Malika. Staked me for 1,020. Was deported to serve the world, jammed with every flesh on the skin card, yellowed eyeballs, toes uncurled. They call me a slave, but I am just a captive. Tuned in the middle age, I turned back to my old town. Abandoned on the metro road, I need to make my presence count. Once my toenail twirled with poison, nothing compared to what I spit today. But physical pain doesn't lose its churn. Applied the good old rule of slash and burn. They ripped my entire leg. Trade didn't restrict to Cincinnati. The Super Bowl was largely set. Slum dogs here and there, displaced from their grave bed. Unable to turn me cold, unable to get me into the traffic, unable to turn me cold, they fragmented me into parts. Gouged my eyes, tore my limbs and commerced my pounding heart. Facts are more convulsing. This is just a piece of art. Thank you. Thank you.
प्रदर्शित कर दिया अपने नुक्कड़ नाटक। आपने आपने देखा क्या? ओ भैया आपने मेरा पर्स देखा क्या? अरे नहीं तो। अरे यार अच्छा क्या इतना कहाँ गया होगा? चोरी हो गया होगा। चोरी? अच्छा हाँ, अब इस पर्स की जगह अगर मैं किसी इंसान को रखकर देखूं तो जैसे पर्स खो सकता है वैसे वो इंसान खो सकता है ना? हाँ। और उस खोए हुए इंसान को हम क्या कहेंगे? गुमशुदा। गुमशुदा। और जिस तरह से इस पर्स के खोजाने का कारण रहा होगा उसे चोरी कर लेना, उसी तरह से उस इंसान के खोजाने का कारण रहा होगा क्या? ट्रैफिकिंग। अरे बेवा रे बेवा, यही सोच तो बदल लिए। अगर मेरा पर्स चोरी है तो चोरी तो हो गया मान लिया, लेकिन क्या अगर कोई इंसान खोया तो जरूरी क्या हुआ? अगवा हुआ हो, ट्रैफिक हुआ हो या किडनैप हुआ हो? भैया देखो जरूरी नहीं किया तुम इंसान गुमशुदा हुआ हो तो क्राइम तो देखो। अच्छा अब ये सवाल ये उठता है, जो लोग किडनैप नहीं हुए उनका क्या? उन्हें आसमान खा गया या धरती निकल गई? अरे सुन साहिब, तूने घर में प्रीति के बारे में बात की? नहीं यार। करना चाहते? करना चाहता हूँ पर मेरी सुनेगा कौन? तू प्रीति से प्यार करता है? हाँ। प्रीति भी तुझसे प्यार करती है? हाँ। तुम तो राहुल में शादी भी करना चाहते हो? अरे हाँ भाई हाँ। अभी तू उसे लेके भाग क्यों नहीं जाता? मतलब क्या तेरा, मैं उसे लेकर भागता हूँ? भाग जा, तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लव का चक्कर दिया जो टक्कर, मैं तो घर से निकल गया। चिंता का विषय बताया, लेकिन हम फिर भी इन बातों से अनजान रहते हैं।
शायद हम व्यस्त है इस बात की गंभीरता को समझ नहीं पाते, मगर समझना जरूरी है। शायद तभी हमें यह समझ आए कि वो शख्स जो बार बार एक ही रास्ता दोहरा रहा था, ये ट्रेन में बैठा हुआ बच्चा तो नदाने कहां जा रहा था। अगली रेड लाइट पे खड़ी हुई लड़की जो खाने के लिए रो रही थी, या फिर स्टेशन पर वो बुजुर्ग महिला जो अकेले सो रही थी, वो सब अपने घर से इतनी दूर यहां पर यूं ही नहीं पहुंचे होंगे। संभावना है कि अपनों से खो गए होंगे। अब आप और हम भी तो अपना रास्ता भटक जाते हैं, पर खुश नसीब है हमारे अपने क्या हम फिर भी लौट आते हैं। पर उसका सोचिए जो दो दिन बाद भी घर वापस ना आया, कहां होगा, क्या कर रहा होगा, उसका परिवार ये तक पता नहीं लगा पाया। वहीं दूसरी तरफ एक गुमशुदा इंसान को भटकने के बावजूद काफी समय में चलना पड़ता है। मिलते जाते लोगों से हम सब हैं, मगर हमको फर्क कहां। मैं उस भीड़ का हिस्सा हूँ
लेकर अब यहाँ आप दे दो भैया। कुछ नहीं सारी था यार, सही में कोई और भी तो हो सकता है। छोड़ो ना। अच्छा मैं कहाँ था? अपनी बनाई दुनिया में। तुम तो मेरी जानू हो, और मैं कौन हूँ? एक आम इंसान। वो तो मैं जानता हूँ, तुम मुझे प्यार से क्या मिलाती हो वो बताओ। बताओ ना, बोलो ना। अरे इग्नोरेंट, मौका था इसके पास उस बच्चे को बचाने का, ऐसा मौका जो आप सबके पास भी होता है, पर इसने भी वही किया जो हम सब करते हैं, नजरअंदाज। काश किसने उन बहराती फुसलाती बातों को सुना होता, काश किसने हिम्मत दिखाकर उसे रोका होता। अगर इसे पता होता कि गुमशुदा लोगों के साथ क्या होता है तो शायद ये ऐसा ना करता। काश किसे ये सब पता होता, या यूं कहूं कि काश मैं इसे सब कुछ समझा पाता। बात सिर्फ हाथ बढ़ाने की होती है, पर वो हाथ आगे तब तक नहीं आता जब तक कोई घटना हमारे साथ
देखने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ उनके मिलने की उम्मीद कम होती जाती है। अब सवाल ये आता है कि हम मदद करना चाहें तो कैसे करें। Thank you.